कर कुछ कर लेना खतरों के खिलाड़ी ऐसी जर्नी थी जो मैं ज़िंदगी भर याद रखूँगा बहुत मज़ा आया जेन्युइनली बहुत मज़ा आया और मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो अपने काम में इतना बिजी रहता हूँ कि मैं मुंबई से बाहर अगर जाता हूँ तो काम के लिए ही जाता हूँ खतरों के खिलाड़ी में मैं काम के लिए ही बाहर गया बट साथ ही साथ मुझे एक मौका मिला अपार्ट फ्रॉम डांसिंग कोरियोग्राफी एंड जजिंग कुछ दूसरा करने के लिए तो बहुत रिफ्रेशिंग था मुझे बहुत अच्छा लगा बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस हैं क्योंकि जितने लोग डांस बैकग्राउंड से आए इस शो में पिछले सीजन में सब ने अच्छा परफॉर्म किया तो प्रेशर था अच्छा परफॉर्म करना था एंड आई थिंक आई हैव डन अ डीसेंट गुड जॉब ओके बहुत सारे कंटेस्टेंट थे बहुत सारे अपने दोस्त भी थे तो उनके सामने कैसा एक्सपीरियंस था और कितना खतरों से भरा हुआ था पूरा मैं एक्चुअली सिर्फ भारती को जानता था पर्सनली ये शो स्टार्ट होने से पहले आदित्य को एक बार मिला था बाकी सबसे मैं कभी मिला नहीं था पर 40-45 दिन साथ में बिताना तो बहुत अच्छे दोस्त बन गए इतने अच्छे हो गए कि बॉम्बे में आने के बाद भी हम लोग काफ़ी बार मिले हैं तो बहुत अच्छा रहा बिकॉज अगर ऐसी जर्नी में दोस्त ना हो तो सपोर्ट नहीं मिलता अगर सपोर्ट ना मिले तो आपको पुश नहीं मिलता अगर आपको पुश नहीं मिले तो आप परफॉर्म नहीं कर सकते तो वो इम्पॉर्टेंट है दोस्त रहना खतरों के खिलाड़ी में मुझे मैं लकी था मुझे इतने सारे अच्छे दोस्त मिले कितना चैलेंजिंग था जिस तरीके से बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके के सारे स्टंट्स होते हैं वो होते हैं कॉम्पिटिशंस भी होते हैं तो आपके लिए कितना बहुत चैलेंजिंग था बिकॉज मैं पहले से जानता था करने के बाद मैं जानता हूँ फॉर श्योर कि खतरों के खिलाड़ी इज़ नॉट अबाउट फिजिकल बट मेंटल स्ट्रेंथ आप मेंटली अगर उस स्पेस पे हो और आप अच्छी तरह से फोकस हो तो आप हर एक स्टंट ऐसे कर पाओगे तो यही है खतरों से खेलना था खेल के आए हैं दिमाग को ठंड रखा है ठंडी रख के आए हैं क्योंकि ठंडी भी बहुत थी बट वी मैनेज टू डू आई थिंक इट्स गोना बी अ वेरी गुड सीजन बिकॉज बहुत अच्छा हुआ बहुत सारे स्टंट्स थे जो बहुत ही डिफ़िकल्ट थे मज़ा आया मोर इम्पॉर्टेंट इट्स मेमरी मैं अच्छा करूँ या नहीं करूँ स्टंट में पर वो स्टंट कैसा पूरा जो प्रोसेस होता है आपको दिखता है 5 मिनट पर उसके पहले 2-3 घंटे की जो तैयारी है जो ब्रीफिंग है वो सब है तो रोहित सर शूट में आप टेलीकास्ट में देखते हो रोहित सर एक्सप्लेन करता है सीधा हम स्टंट कर रहे हैं रोहित सर के एक्सप्लेनेशन के बाद जो पूरा प्रोसेस है वो मुझे बहुत याद रहेगा मुझे बहुत अच्छा रहेगा एंड एक स्टंट था जहाँ पे ऐसे हवे में उठाया है एक प्लेटफॉर्म है केबल में लगा है मतलब हवे में आप इधर ऊपर हो इधर दस मतलब 40 फ्लैग्स हैं आप इधर हो बीच में आपको जाना है फ्लैग उठाना है और बीच में चिपकाना है इतना सिंपल नहीं ये इतना हवे में रहेगा पूरे टाइम ऐसे होते रहेगा और चेस बोर्ड होता है ना ब्लैक वाइट तो इमेजिन ऑल द वाइट्स ज़मीन है तो खोखले हॉलो है सो ऑल्टरनेट देयर वर होल्स पूरा एंड बारिश तो एक्चुअल वाटर टू बी फॉलन तो ऐसा ऐसा हो रहा है गिर रहे हो मर रहे हो पड़ रहे हो बहुत डिफिकल्ट था ऐसे हर एक स्टंट के पीछे बहुत बहुत कहानी है लड़कियों में आई थिंक भारती डिड अ वेरी गुड जॉब रिधिमा ने बहुत अच्छा किया सरप्राइजिंगली शमिता एंड बॉयज़ में अली एंड आदि रोहित सर कंपटीशन में नहीं थे अच्छा रोहित सर मुझे बहुत पसंद है मैंने जस्ट खतरों के पहले एक सीज़न किया था एक शो किया था जहाँ पे वो बतौर जज थे और मैं बिहाइंड द सीन स्टेज डायरेक्टर था तो वहाँ से इंटरेक्शन स्टार्ट हुआ एंड नसीब ये था कि उसके बाद इमीडिएटली कुछ दिनों में मैं अर्जेंटीना में उनके साथ था बहुत अच्छे इंसान हैं बहुत ही हम्बल है अगर वो शो में नहीं रहते तो ये शो नहीं हो पाएगा और मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ बिकॉज ही इज़ अ एक्चुअल फादर फिगर हु कैन शाउट एट यू विद ऑल कर मतलब हक से सपोर्ट करते हैं हक से मॉरल पुश करते सपोर्ट करते हैं डांटते हैं गिराते हैं उठाते हैं संभालते हैं जो हर एक इंसान चाहता है ना अपने पिता से तो खतरों के खिलाड़ी के पिता रोहित सर है विद ऑल ड्यू क्रेडिट किसको मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ ट्यून इन टू कलर्स 5th January से सैटरडे संडे 9 बजे प्लीज़ ट्यून इन टू कलर्स 5th January से सैटरडे संडे 9 बजे हम आ रहे हैं मैं आ रहा हूँ रोहित सर आ रहे हैं खतरों के खिलाड़ी आ रहे हैं खतरों से खेलने के लिए सो मेक श्योर यू एंजॉय बिकॉज हमें बहुत मज़ा है सो यू गाइस विल एंजॉय फॉर श्योर थैंक यू तो गुड लुकिंग होता जा रहा है कैसे बस स्किन और साफ कर ले अपनी नाइस हाँ ये वाला ओके सर ओके
यार ये बहुत ही मेमोरेबल जर्नी रही है बिकॉज ऐसी ऐसी चीज़ें जो हमने इस जर्नी के दौरान करी हैं वो कोई और नहीं कर सकता, कहीं और मिल ही नहीं सकते। अब कहाँ जाओगे तुम सांपों से खेलने के लिए, अपना हाथ तो डालोगे नहीं इलेक्ट्रिसिटी में कि अरे शॉक कैसा लगता है देखते हैं। तो मतलब ऐसी चीज़ें करी हैं इतनी कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में कि सारी हदें जो हमने सोचा था, आई थिंक मैं अपनी बात ही नहीं करूँगा सबकी करूँगा, सबने अपने हाथों को जितना पुश कर सकते थे उतना किया है। इन्वेट मेरे लिए यार जानवर और पानी बहुत टफ रहा है हमेशा से, बिकॉज मेरे को स्विमिंग आती नहीं है और जानवरों के साथ तो हम कभी खेले नहीं है, है ना। तो ये दो लोग, दो चीज़ें मेरे लिए अनजान रही हैं हमेशा, तो उनको जाना है मैंने इस जर्नी के दौरान। जानवरों से तो जान पहचान हो गई लेकिन पानी से अभी भी दूर रहता हूँ बिकॉज आई फील इट्स काइंड ऑफ स्कैरी। यार मैं जब गया था तो मुझे लगा था आपको डर से जीतना है, लेकिन ये सही नहीं है। ये मानसिक और शारीरिक, इट्स बोथ फिजिकल एंड मेंटल गेम, यू हैव टू बी स्ट्रांग बोथ वाइज, एंड दैट इज समथिंग दैट आई हैव अंडरस्टूड अबाउट दिस। ओके, सबसे ज्यादा डर कौन से स्टंट में लगता? अरे मेरे को सब स्टंट में डर लगता था। मतलब देयर आर स्टंट्स वेयर यू आर जंपिंग फ्रॉम समवेयर, पर सबसे ज्यादा कहां फटती थी आई विल टेल यू। देखो पानी ऊपर से, वहां है पीक विंटर, और पीक विंटर में बोलो -2 पानी में गिरो तुम ना, दिल्ली में लोग ना पॉटी करने के बाद साफ नहीं करना चाहते पानी से बिकॉज इतनी ठंड होती है, और यहाँ पर आप जा रहे हो पानी के अंदर विच इज़ -2 degrees। आई थिंक इट इज़ फॉरगेट एनीथिंग एल्स, मतलब यार आपको फिर भी एक पल के लिए आप सांप उठा लोगे, पर वो ठंडे पानी में वहाँ रह के टास्क करना बहुत स्कैरी होता है, वो मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा स्कैरी। या मेरे को नहीं लग रहा था मैं कभी भी जीतूंगा, तो मेरे को ऐसा कंपटीशन नहीं था। आई ऑलवेज लव्ड, सी आई लाइक आई टेल यू नो, नॉट एवरीवन कैन विन एवरीथिंग, एवरीवन हैज़ देयर स्ट्रेंथ, सो फॉर मी इट वाज ऑलवेज ट्राई टू डू एज मच एज आई कैन, एंड फॉर मी इफ यू आस्क मी नो, भारती हैज़ बीन एन अमेजिंग अमेजिंग इंस्पायरिंग एग्जाम्पल ऑफ अ गर्ल हु माइट नॉट बी फिजिकली फिट कम्प्लीटली बट हाउ ब्यूटिफुली हैज शी प्लेड, आपको देखना होगा उसकी जर्नी। पुनीत एंड आदित्य आर वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स, दोनों फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, मेंटली स्ट्रॉन्ग है, और एक्सपीरियंस ना ऑलवेज हेल्प्स इन लाइफ, सो आई थिंक दैट हैज़ बीन देयर। यू विल सी माय जर्नी, यू विल लाइक द जर्नी दैट आई हैव डन, या एक्सेप्ट द फैक्ट कि मेरे वो कंधे की चोट थी जिसकी वजह से आई वॉज नॉट टेलिंग देम बिकॉज उन्होंने डिस्क्वालीफाई हो जाते, फिर वैसे ही पकड़ा गया मैं इंजेक्शन से, तो फिर डिस्क्वालीफाई हो गया, फिर उसके बाद घर जाकर मेरी झाड़ पड़ी, और अभी जब एपिसोड देखेंगे तो रिश्तेदार भी और फ्रेंड्स भी बोलेंगे और फैंस भी बोलेंगे क्यों किया आपने, क्या हो सकता था, बट एक्चुअली मेरी गलती थी। I should not, I could have done next season, but I think learning it, and I will learn from that. Okay, Rohit se kitne tips aur kitna kya kya hai? I think Rohit Shetty is one of the most important reasons why this show works, because Rohit sir kya karte hai na, he will scold you at the time when you need to be scolded, he will give you a hug at the time when you need the hug, aur jis waqt aap abort karne wale hote ho, us waqt wo aapko jo encourage karte hai na, jaise kuch contestants jo ki abort karte karte bhi na, they have won the stunt because Rohit sir has cheered you up in the right way, so I think that's the right balance, and for a show like this, perfection. Okay, lastly, kya kehna chahenge aapke fans se? Thank you. Your love is the reason why I do a lot of stuff. I didn't think I would ever be doing things like this, but I am thankful, and I really would love you guys to watch and see the entire journey, because we, all of us, have crossed our limits to do what we didn't think we would be able to, but we did, and it's important. Danish is no more, and I still am grappling with that, so I do not know how to react to this right now. I went and saw him, and that was the last time I would ever see him, so mujhe pata nahi abhi main kaise react karu, ye mere liye wo waqt thoda sa अच्छा नहीं है बिकॉज मैं सोया नहीं हूँ रात भर, उसके बाद सीधे यहाँ पर आया हूँ। अभी मैं जाऊँगा अपने घर वापस, जहाँ वहाँ बाकी हाउस गेस्ट हैं, मुझे उनको भी बताना है, तो अभी अभी मुझे पता नहीं कैसे रिएक्ट करना चाहिए। थैंक यू। वेल ये जर्नी ये जर्नी बहुत ही ज़बरदस्त रही, और काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली, काफ़ी चीज़ें जिनका डर था उन्हें ओवरकम किया है, नए दोस्त बनाए हैं, एक नई कंट्री देखी, सो बहुत मज़ा आया।
ऑनेस्टली बहुत टफ है ये जर्नी, और स्पेशली जो लोग अगर फिट नहीं है, यानी कि मैं खुद भी अगर जिम जाती हूँ दैट इज़ नॉट इनफ. इस गेम के लिए आपको मेंटली भी फिट होना ज़रूरी है और आपको फिजिकली भी फिट होना ज़रूरी है. सो काफ़ी चीज़ें टेस्ट की जाती है, आपकी टेस्टिंग लिमिट्स जिसे कहते हैं. ये गेम ही कॉम्पिटिशन है, इसमें इसके अलावा कुछ था ही नहीं. और यहाँ पर इट्स नॉट लाइक हम अगर दोस्त भी बनाते थे लेकिन जब एक दूसरे के ऑपोजिट आते थे तो दोस्ती भूल कर हमें वो स्टंट्स करके जीतना होता ताकि हम एलिमिनेशन टास्क में ना पहुँचे. सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट मेरे लिए जो स्टंट रहा था वो सांप का था, जब पहली बार मुझ पर सांप डाले गए थे. बिकॉज सांपों का फोबिया है मुझे, जब मैं ऐसे मतलब टीवी पर भी अगर सांप देख लूँ तो मैं चैनल झट से बदल देती थी. तो जब मुझे पहली बार नाम अनाउंस हुआ कि आज सांप का स्टंट करेंगी रिधिमा, मतलब रोना रुक नहीं रहा था, चिल्लाना रुक नहीं रहा था, पर फिर पता चला कि सांप सबसे बेस्ट है. तो मतलब इतने स्वीट से ऐसे ही बस घूमते हैं, कुछ नहीं करते, बहुत प्यारे हैं. तो अब सांपों से मेरी दोस्ती हो गई. कॉकरोचेस ने बहुत परेशान किया. आदित्य बहुत टफ कंटेस्टेंट है. इन गर्ल्स आई थिंक शमिता वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, इवन जैस्मिन वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग. एंड भारती तो सरप्राइज पैकेज है, जो स्टंट्स भारती ने किए हैं तो वो तो हम सब भी नहीं कर पाते थे भाई, मज़ा आ गया. बाकी लोगों से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मतलब रिधिमा हमारे लिए सरप्राइज पैकेज है, उन्होंने मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने सारे कलीग्स को थैंक यू बोलना चाहूँगी, बिकॉज जो जिस तरीके से हौसला अफजाई होती है वहाँ पर, उसके बिना आप स्टंट्स कर ही नहीं सकते. तो सरप्राइज पैकेज तो हम सभी थे, क्योंकि हम में से किसी को नहीं लगता था कि हम ये स्टंट्स कर पाएंगे. तो अगर मेरे कलीग्स बोल रहे कि मैं सरप्राइज पैकेज थी तो आई एम वेरी हैप्पी, और मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी. थैंक यू सो मच. नमस्कार. बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया, ऐसा बोलना पड़ता है. बहुत बैंड बजी, बहुत चोटें लगी, बहुत रातें सोई नहीं. और नहीं, बट ऑनेस्टली ये एक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ज़िंदगी में एक बार से ज़्यादा आप इसे एक्सपीरियंस करना भी नहीं चाहेंगे. बहुत मज़ा आया, बहुत सारे दोस्त बने, और बहुत अच्छा टेलीविजन हमने बनाया है. बहुत हंसे हैं, बहुत रोए हैं, बहुत गिड़गिड़ाए हैं. साथ ही साथ आई वुड लाइक टू थैंक एंड मॉल कलर्स, अर्जेंटीना की स्टंट क्रू एंड रोहित सर, जिन्होंने हमारा इतना ख्याल रखा और कभी हमें ऐसा फील नहीं होने दिया कि हम इतने ज़्यादा खतरे में थे. लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आया. एंड ओवर टू एवरीवन. हाय, इट हैज़ बीन एन आउटस्टैंडिंग एक्सपीरियंस. बहुत मज़ा आया करने में, जैसे कि आदि ने कहा. और सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ रोहित सर का कि मुझे अभी तक रिमेंबर, आई स्टिल रिमेंबर कि पहला स्टैंड था, मुझे बहुत ऊंचाई से कूदना था. एंड रोहित सर क्या, मुझे सिर्फ शक्ल नज़र, उन सर की शक्ल नज़र आ रही थी, क्योंकि मैं पहली बार सर को देख रहा था. और मैं देख रहा था, सोच रहा था मुझसे भी लंबा कोई इंसान हो सकता है, सर लंबे थे. सो आई थिंक मुझे छोड़ के यार, मैं सर की हाइट का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं था मुझे. बट आई बीन रियली नाइस, थैंक यू सो मच सर. देखो क्या है ना, इनको लगता है कि मैं एनकरेज करता हूँ, मैं बहुत मेहनत करता हूँ. मेरा अलग चलता है कि स्टंट में इतना खर्चा किया करो सालों. तो ऐसा नहीं है कि मेरे दिमाग में वो चलता रहता है कि टीवी पे फुटेज क्या दिखाएंगे, इतना खर्चा कर रहे हैं ये सब, जाके वहाँ खड़े हैं, इनको लाए इतनी दूर. बताते थे सर कि यार ऑडिशन बहुत खर्चा हुआ है तुम लोगों के ऊपर, तुम लोग प्लीज स्टंट पूरा कर लो, हमें कुछ दिखाना.
So, but thank you, Karush team, for approaching me. I mean, I just wish ki mujhe, I'm just cherishing those moments. Ki, mujhe yaad hai ki jo jo maine ek mahine pehle, do mahine pehle kiya Khatron Khiladi mein, jo main nahi kar paya, kaash main wo kar paata. So I'm just cherishing those moments back. And thank you, Karush team, for approaching me for Khatron Khiladi. Halanki main bachpan se karna chahta tha. बहुत मजा आया, बहुत डर भी लगा और अभी तक चीखें मेरे कानों में गूंज रही हैं अपनी ही. मतलब सीरियसली बहुत डर लगा था. अभी मतलब अभी तक मैं फुल स्लीव पहन के, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते सोच सोच के बहुत. लेकिन सर ने बहुत इंकरेज किया सबको और थैंक यू सो मच. मैं शॉर्ट एंड स्वीट रखूंगी क्योंकि मुझे रोहित सर की साइड आई मिल रही है. पूरे शो में मुझे कहा जाता था कि जल्दी बोलो, फास्ट करो, स्टंट भी जल्दी जल्दी करो. एंड खतरों के खिलाड़ी फॉर मी इज रोहित सर, बिकॉज जो हौसला अफजाई उन्होंने हमारे लिए की और हम सबसे एक दूसरे के लिए करवाई है, उसके बिना स्टंट्स कर पाना बहुत मुश्किल होता था. एंड लव यू रोहित सर, थैंक यू सो मच. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एंड मॉल एंड थैंक यू कलर्स फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ दिस शो. लोगों बोला कि बोलने के पैसे नहीं है. नहीं, सच्ची बोल रही हूँ सर, क्योंकि क्योंकि मुझे बहुत मजा आया. दोस 45 डेज आई थिंक वर द बेस्ट डेज ऑफ 2018 दैट आई हैव हैड. एंड थैंक यू रोहित सर, बिकॉज आई नो आई वाज वेरी डिफिकल्ट और आप जिस तरीके से मुझे प्यार से समझा बुझा के धकेल देते थे उसके लिए थैंक यू सो मच. बिकॉज मैं जहाँ तक पहुँची आई गिव ऑल द क्रेडिट टू यू एंड लोड्स ऑफ रिस्पेक्ट. थैंक यू सो मच. थैंक यू, मुझे प्यार से नहीं समझाया रोहित सर ने. मुझे बहुत गालियाँ पड़ी हैं. आई थिंक सर मैं अपना बोल रहा हूँ कि मुझे कितनी गालियाँ पड़ी हैं उतनी किसी को नहीं पड़ी, पता नहीं क्यों, बट इनकी गाली की वजह से ही सब पूरा हुआ. एंड आई थिंक मैं तो दिखता ऐसा हूँ बट मैं बहुत ज़्यादा डरता हूँ. तो मैं बहुत डरता था, काफ़ी ताने भी सुने हैं बट ठीक है, काफ़ी लोगों ने ताने भी दिए हैं मुझे ऐसी तक तो हाँ, लेकिन बहुत मज़ा आया, काफ़ी डिफरेंट था. इतने साल से ड्रामा कर करके रियलिटी देखने का कुछ अलग ही मज़ा था. एंड सर सब बोल रहे हैं, सर मेरी तरफ से थैंक यू सो मच, आपने हाइट का डर निकाल दिया मेरा. बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद. पानी का नहीं निकला सर, थैंक यू सो मच. सब ने सब कुछ ही बोल दिया ऑलमोस्ट, पर मैं ये बोलूँगा यहाँ पर कि सबसे ज़्यादा अगर डांट किसी को यहाँ पड़ी है तो मुझे पड़ी है कि सबसे ज़्यादा गलतियाँ मैंने करी हैं. और थैंक यू शीतल फॉर फसाइंग मी ऑन खतरो. बट एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जैसे कि हर्ष ने बोला और जैन ने बोला कि जितनी बार भी कोई डरता है, जो काइंड ऑफ इंकरेजमेंट समवन हैज गॉटन, जहाँ ज़रूरत होती है डांट की वहाँ डांट पड़ती है, जहाँ ज़रूरत होती है हक की वहाँ हक भी मिलता है फ्रॉम रोहित सर. एंड आई थिंक दैट्स दैट्स गले लगने की बात कर रहे हैं. गले लगने की बात कर रहे हैं. स्पेशल गले लगना. आई थिंक दैट्स व्हाट इट मेक्स अस टुगेदर. एंड आई थिंक वो जो हमने साथ में जो टॉर्चर एडवेंचर सहा है वो विल ऑलवेज बी गोइंग टू कीप अस टुगेदर, बिकॉज वो मेमोरी जो होती है ना बहुत ही खतरनाक होती है. हेलो एवरीवन, तो थैंक यू सबको, जिन जिनको नाम जिन जिन का नाम लिया उन सबको थैंक यू. आई पर्सनली बिलीव खतरों के खिलाड़ी जैसा शो नहीं है एंड वी आर हियर स्टैंडिंग टू से दैट, क्योंकि वी आर वॉचिंग फॉर इट. और खतरों के खिलाड़ी जैसा शो बना है इज बिकॉज ऑफ दिस मैन कॉल्ड रोहित शेट्टी सर, बिकॉज वो एक्चुअली ही इज़ द फादर फिगर. एंड डांटना, संभालना, गाइड करना, गिराना, गाली देना, उठाना, पुश करना, गाइड एवरीथिंग. एंड मतलब आपको 20% दिखेगा ऑन कैमरा, 80% ऑफ कैमरा जो सर आपने सपोर्ट किया है. एंड एवरीवन बिहाइंड दिस शो, बिकॉज बहुत ही प्रोफेशनल शो है. एंड हम लोग सब अपनी मुंबई अपने अपने लैविश लाइफ को छोड़ के, हेयर मेकअप वैनिटी प्यार भरा वो क्या सब भूल गए, हम लोग का एक्चुअल सर्वाइवल, हम लोग चीखे हैं, गिरे हैं, रोए हैं,
बहुत बहुत गंदी हालत में दिखेंगे पर एक्चुअल हमारा इनर सेल्फ दिखाया सो थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग अस डू दिस एंड एक्सपीरियंस दिस सो थैंक यू सो मच एंड आई थिंक नाउ एक हम सब ने मिलकर खास करके आई थिंक पुरीत ने डायरेक्ट किया है और बाकी सारे भी हैं इसमें सारे मतलब जितने हो सकते थे उस दिन एक एल्बम बनाया है एल्बम शूट किया है हमने एंड आई थिंक वी आर गोइंग टू प्रेजेंट दैट एल्बम नाउ एंड हम सब साइड में हट जाते हैं हमारी बकवास आप लोगों ने बहुत सुन ली है पता चल रहा है बोर हो रहे हैं आप सबसे ज़्यादा आगे बढ़ना है डेली दिए यही है परसों भी मिला था सिम्बा बोल रहा था आज खतरे ठीक है हम लोग हट जाते हैं आप एंटरटेन हो जाइए फिर वापस आएंगे ठीक है भाई कौन पूछ रहे हैं नहीं एक्चुअली होता ये क्या है हम लोग को एक्सपीरियंस है हम इतने साल से कर रहे हैं स्टंट्स कर रहे हैं फिर ये शो भी कर रहे हैं और कंटेस्टेंट्स जब आते हैं तो उन्होंने टीवी पे देखा हुआ होता है और सारे ही एक्टर्स हैं स्टंट आर्टिस्ट तो है नहीं सो वो डर तो रहता ही उनमें एंड कुछ ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं हो वो उन्हें करना पड़ता है तो मेरा काम वहीं आता है कि उनको उनका हौसला अफजाई करूं उनको एनकरेज करूं और देखूं कि वो स्टंट करें एंड एट द सेम टाइम ये भी देखें कि वो सेफ हैं सो नहीं ये देखो एक्चुअली होता क्या है जैसे मतलब जैसे एक टैग दिया गया रियलिटी शो ये वाकई में एक रियलिटी शो है क्योंकि यहाँ पे जो है जो कुछ हो रहा है वो रियल है सो होता ये है कि एवरीडे एक नया टास्क होता है एवरीडे किसी का आज दिन अच्छा गया तो कल वो ख़राब जाएगा स्टंट के हिसाब से तो ऐसा नहीं कह सकते कि पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि ये बहुत ख़राब था या ये बहुत अच्छा था एवरीडे सबको कुछ ना कोई नया खतरा फेस करना था आप सेंटर में आए हो ना आप लोग सवाल पूछ रहे हो तो मेरा लुक इधर रहेगा है ना भाई आइए इधर आ जाओ आओ ना इधर आओ ना तुम लोग दो ही लोग सवाल पूछने वाले अच्छा पूरे ओके
वेदर ने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया. मतलब हमने -1 degree और -2 degree में भी रात में स्टंट्स किए हैं. ठंडी थी ऑब्वियसली अर्जेंटीना में उस वक्त, तो वेदर का इतना सपोर्ट नहीं था. एंड यही फिर मज़ा है खतरों के खिलाड़ी का हर साल. जैसे पहले भी हम जब केप टाउन गए थे तो बारिश मिली थी हमें, बारिश में हमने फिनाले का एक स्टंट किया था. तो कई बार ऐसा होता है कि एक हमने खुद एक टास्क सोचा हुआ है, उस पर ऊपर वाला एक टास्क ले आता है तो उसे भी निभाना पड़ता है हमें उसमें भी. बट जो एक बात है जो पहले के सीजन्स में भी रही और इस बार भी है कि चाहे वो -1 degree हुआ हो, बट जो गए थे सारे हमारे आर्टिस्ट उन्होंने स्टंट परफॉर्म किया. ऐसा नहीं था कि वेदर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है तो हमें स्टंट नहीं करना है, इतनी ठंड हो गई हमें नहीं करना है. मतलब और ये क्रेडिट उन्हीं को जाता है क्योंकि मैं ठंड में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उनको अरेंज कर इनक्रेज कर सकता हूँ, उनको मैं टेक्निक बता सकता हूँ, मैं ठंड का कुछ नहीं कर सकता. तो ये क्रेडिट उन्हीं को जाता है कि हमने -1 और -2 degree में भी स्टंट किए एंड बेचारों ने खुशी खुशी किए. वक्त लग जाता है, काफ़ी वक्त लगता है, काफ़ी मेहनत है इस शो में. ये मतलब जो जब शूटिंग के लिए निकलते हैं टीम, उसके पहले करीबन 3 से 4 महीना या 6 महीना पहले काम शुरू करती है. सबसे पहले तो मतलब जो कलर्स की टीम है, जो टेक्नीशियंस हैं हमारे, एंडेमॉल की टीम है, ये ढूंढना कि कहाँ करना है, कंट्री ढूंढना. कंट्री ढूंढने के बाद में इतने सारे स्टंट्स, यू नो डेली एक स्टंट हम करते हैं, डेली 3-3 स्टंट्स करते हैं हम लोग. अगर देखा जाए तो 100 से ज़्यादा स्टंट्स हो जाते हैं कई बार, ये सारा अरेंज करना. तो ये क्रेडिट एक्चुअली हमारी जो टेक्निकल टीम है उनको जाता है मुझसे ज़्यादा. एंड में जब मैं आ जाता हूँ तो थोड़ा बहुत ट्वीक करना या थोड़ा सा गाइड करना, यही मेरा काम होता है. बट जो एक 6 महीने के पहले की जो तैयारी है वो एंडेमॉल की टीम और कलर्स की टीम करती है. तो वो क्रेडिट इनको जाता है और बहुत मेहनत है. जब एडिट होकर आता है तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही कूल लगता है ये शो. शो की खासियत ही है कि टेलीविज़न पे बहुत कूल शो है, बट जो स्टंट्स होते हैं उनके अरेंजमेंट और उनके जो उनके पीछे दिमाग लगता है, उनके पीछे जो मेहनत लगती है वो दिनों दिन लगती है. मतलब आपने जो एक स्टंट टेलीविज़न पे जब आप देखें तो हो सकता है 5 मिनट या 3 मिनट या 6 या 10 मिनट में ख़त्म हो जाए, लेकिन उसकी तैयारी में महीनों लग जाता है. नहीं नहीं, श्रीशांत ने बहुत किया. इनफैक्ट बहुत अच्छा कर रहा था श्रीशांत. बिग बॉस में क्या हो रहा है आई कुडंट सी बिकॉज ऑफ सिम्बा, लेकिन जब हमारे साथ थे तो उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया. इस बार अलग कहना क्लीशे होता है, इस बार और क्या बेहतर होगा ये मैं आपको कह सकता हूँ. इस बार और ज़्यादा मतलब स्टंट्स बड़े यूनिक और अलग हैं. बहुत से ऐसे स्टंट हैं जो मैंने भी पहली बार किए या देखे हैं फियर फैक्टर में, खतरों के खिलाड़ी में. वरना कई बार होता है कि कुछ स्टंट्स होते हैं कि आपने देखा या किया, कई ऐसे नए स्टंट्स हैं. ड्रामा बहुत है इस बार और नया टेरेन है. ऑब्वियसली अर्जेंटीना एक बार पहले भी शूट हुआ है खतरों के खिलाड़ी, बट लोकेशंस नहीं है एंड कंटेस्टेंट्स नए हैं. मस्ती अलग है भारती की वजह से. एंड तो सिर्फ एक्शन ही नहीं, ह्यूमर भी आपको मिलेगा. लेकिन एक होलसम एंटरटेनमेंट फिल्म जो होती है ना, मसाला फिल्म जिसे कहते हैं, वो इस बार खतरों के खिलाड़ी है. सारे ही हैं क्योंकि ऑब्वियसली बहुतों को मैं जानता हूँ, पुनीत हो गए, आदित्य हो गए, शमिता हो गई, बट उनके स्टंट कैलिबर को मैं नहीं जानता. तो वो एक सरप्राइज एलिमेंट मेरे लिए भी रहता था डेली के, अरे ये शायद नहीं कर पाएगी. और फिर पता लगता था कि ये इस लड़की ने सबसे बेस्ट कर लिया या ये लड़का शायद ये नहीं कर पाएगा और उसने बेस्ट कर लिया. सो सरप्राइज एलिमेंट एवरीडे होता था. जिसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया अगले दिन वो नहीं परफॉर्म कर पाता था एक पर्टिकुलर स्टंट, और जिसने नहीं किया वो कोई एक अच्छा स्टंट कर जाए. तो एक मेरे लिए भी एक एवरीडे वॉज लाइक अ सरप्राइज. हाँ, उसका रिप्लेसमेंट है जास्मिन. ओ मतलब निया का रिकॉर्ड ब्रेक किया उसने. ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू, थैंक यू सो मच. बहुत अमेजिंग जर्नी थी, आउटस्टैंडिंग जर्नी थी, मज़ा आया करने में खतरों के खिलाड़ी.
वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है हमारे लिए, किसी के लिए भी, और अच्छा था. स्पेशली वी गॉट टू इंटरेक्ट विद लॉट ऑफ पीपल. रोहित सर भी थे, काफ़ी एंकरेजमेंट मिली. रोहित सर ऑब्वियसली एक्शन डायरेक्टर हैं और उनके सामने एक्शन परफॉर्म करना इट्स अ डिफरेंट लेवल. मेरे लिए यार कीड़े मकोड़ों के साथ खेलना, सांप के साथ खेलना, बिच्छुओं के साथ खेलना, काले चूहे, सफ़ेद चूहे, पीले चूहे, सारे चूहों के साथ खेलना मेरे लिए बहुत ही डिफिकल्ट था, बिकॉज मैं दैट वे इज़ मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ. बट हाँ, एक्शन स्टंट्स वॉज समथिंग दैट आई रियली वॉन्टेड टू डू एंड विच आई डिड. तो मज़ा आया वो चीज़ करने में. ये तैयारी मैंने कुछ नहीं की, बिकॉज हर इंसान, अभी से ठोक के बोल सकता हूँ, हर एक इंसान पिछला वाला एपिसोड सीज़न ज़रूर देख के आया था, जो सबको मुझे पता था कि हर इंसान देख के आया. मैंने ऑनेस्टली एक भी पिछला सीज़न नहीं देखा था. हाँ, कभी पहले मैं देख चुका था ऑब्वियसली बहुत साल पहले, बट मैं स्पेशली प्रिपेयर नहीं था कि यार अच्छा पिछला सीज़न देखना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं. आई वॉन्टेड स्पॉन्टेनियस चीज़ें और विच हैपेंड एंड ठीक है, जो चीज़ सामने आई वो आई. वेल दैट डिपेंड्स एक्चुअली. पुनीत भी स्ट्रॉन्ग था लड़कियों में, रिधिमा भी स्ट्रॉन्ग थी, भारती भी स्ट्रॉन्ग थी, जैस्मिन भी स्ट्रॉन्ग थी, सभी सारे ही स्ट्रॉन्ग थे. मैं ऐसे किसी को नेम नहीं करना चाहता कि यार वीर ऑल इक्वल्स. हम लोग गए वहाँ पे. अब ये है कि जब आप देखें आपको पता लगेगा कौन स्ट्रॉन्ग था, कौन थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग था, थोड़ा बीच में था. सो जस्ट वेट फॉर दैट. ओके, लास्ट वीक क्या मैसेज देना चाहेंगे आपके फैंस को, क्या कहना चाहेंगे? फैंस को बस इतना ही कहना चाहता हूँ, प्लीज़ आप लोग देखिएगा खतरों के खिलाड़ी. इट स्टार्ट्स 5th January ऑनवर्ड्स 9 PM. और प्लीज़ जैसे जैसे आपने नामकरण में सराहा है, प्लीज़ इसको भी देखिए और अप्रिशिएट किए और इनक्रेज किए हमें. थैंक यू सो मच. खतरों के खिलाड़ी की जर्नी बहुत अमेजिंग रही, बहुत माइंड ब्लोइंग रही एंड एक्साइटमेंट से बड़ी बड़ी, बहुत ज़्यादा. ओके, कितने स्टंट्स थे, क्या करने में सबसे डेंजरस था उसके बारे में? स्टंट सारे ही बहुत डेंजरस थे. आई थिंक हमारे शो में 62 स्टंट्स होते हैं एंड मुझे ऐसा सुनने में आया कि इनके पास पिटारा है स्टंट्स का जो 1000 स्टंट्स है. अब आप खुद सोच सकते हैं कि उन 1000 में से जो वो चुन के निकालते हैं वो कितना ही खतरनाक होगा. तो सारे ही स्टंट बहुत ज़्यादा खतरनाक थे. सबसे ज़्यादा डेंजर कौन सा था जो आपको एकदम लग रहा हो कि हाँ ये मुझसे नहीं होगा? देखिए सारे ही थे. मुझसे नहीं हो पाएगा तो हर एक स्टंट से पहले लगता था, बट हाइट वगैरह से बहुत डर लगता क्योंकि वहाँ ठंड बहुत थी, माइनस में टेम्परेचर होता था और जब हार्नेस वगैरह पहनते तो जैकेट वैकेट पहन नहीं पाते थे. और अगर तुम एक 40 फ्लोर पे खड़े हो, कुछ ऐसी ऐसी चीज़ होती थी तो कांप भी रहे हो, स्टंट भी करना, और डर का एक शिवरिंग अलग होती है और ठंड की भी मिक्स हो जाती थी. तो बहुत मतलब अमेजिंग, मतलब बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था. सबसे टफ कॉम्पिटिशन कौन था अगर पूरे का शो का? सारे, मैं तो सबका नाम लूँगा यार, क्योंकि ये सब लोग इतनी मेहनत कर रहे थे. तो पहले तो ऐसा लग रहा था कि अरे ठीक है भारती, अरे उससे तो नहीं हो पाएगा, अरे ये इससे तो नहीं हो पाएगा, बट वो सब इतने ख़तरनाक थे कि मतलब हमें लगा कि हमसे नहीं हो पाएगा क्योंकि वो लोग कर रहे थे. तो सारे के सारे यार बहुत अमेजिंग, बहुत माइंड ब्लोइंग. कितने स्टंट करने पड़ते थे एक दिन में? एक दिन में हमें 2 स्टंट भी होते थे, कभी कभी 3 स्टंट भी होते थे और 4 स्टंट भी होते थे. तो वो डिपेंड होता था कि कितनी जल्दी कौन से स्टंट्स खत्म हो जाते थे उस पैक पे, बट बैक टू बैक 3 स्टंट भी किए हैं हमने. बहुत स्पेशल स्पेशल स्पेशली लोग जो हमारे साथ थे, हमारे सारे कंटेस्टेंट एंड क्रू जितने भी लोग थे सारे अमेजिंग थे. मज़ा आ गया एक एक के साथ एंड जिस हिसाब से उनके साथ बॉन्डिंग हुई हमने बहुत एंजॉय किया. बट उतनी बुरी हालत हमारी मॉर्निंग में हो जाती थी फिर स्टंट के टाइम पे अर्ली मॉर्निंग उठ के, बट जब वापस आते थे तो एक दूसरे का साथ होता था तो काफ़ी अच्छा फील होता था कि चलो ठीक है कम से कम अच्छे लोग आसपास हैं, अकेले नहीं बैठने देते, एक दूसरे को बूस्ट करते थे. तो वो बेस्ट पार्ट था. रोहित शेट्टी के साथ काम करने का एक्सपीरियंस आई थिंक मेरी लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस होगा. मैं दुनिया में जितने भी काम आगे लाइफ में कर लूँ एंड उनके साथ काम करके मुझे लगता है मैंने एक बहुत अच्छा एक बोलते हैं पड़ाव पार कर लिया लाइफ का. एक रोहित सर जैसे इंसान के साथ वो हमेशा एक वो बैक टू कैमरा वाले इंसान है, उनके साथ स्क्रीन शेयर बहुत कम लोग करते हैं, जिन जिन बहुत हर साल किस्मत वाले 11 लोग होते हैं. तो शायद उसमें से एक मैं भी अपने आप को मानता हूँ कि उनके साथ स्क्रीन शेयर किया, उनकी चीज़ें देखी, उनकी बातों में दम है, रियली दम है. व्यूअर्स को मैं ये कहना चाहूँगा कि गाइज अच्छे से अपना न्यू ईयर मनाइए और न्यू ईयर के बाद ही आपके लिए 5 January से खतरों के खिलाड़ी सीज़न 9 आ रहा है. हम लोगों ने 45 डेज बहुत मेहनत की है, हमारा डर, हमारा रियल साइड आपको देखने को मिल रहा है.
एक ऐसा साइड कि जो शायद आपने बहुत कम देखा हो हमें, इतने सालों से आप लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, 6 सालों से आप हमें टीवी पे देख रहे हैं, बट ये साइड एक डिफरेंट साइड है एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। मज़ा आया, इट वॉज अ केक वॉक। व्हाट इज फियर? आई डोंट नो व्हाट फियर इज, सच अ इजी शो। कुछ भी मुझे, मेरे चेहरे पे एक पसीने की बूंद तक नहीं आई ये शो करते हुए। मैं मजाक कर रहा हूँ यार, हालत ख़राब हो गई है यार। बहुत मज़ा आया डेफिनेटली, इट वॉज अ ग्रेट ग्रेट एक्सपीरियंस। लेकिन बहुत बैंड बजी है यार, बहुत चोटें लगी हैं, टाके पड़े मुझे आँख में, मेरी आईलेडी फट गई थी वहाँ पे, और बहुत नए दोस्त बनाए, बहुत सांप मेरे दोस्त हुए, बहुत मेंढक, कॉकरोच, इगुआना। इगुआना करके भी एक चीज़ होती है, पता है आपको? वो आधा आधा छिपकली होता है, आधा डायनासोर होता है, और उसकी जो एक जीभ वो बाहर निकालता है तो वो स्प्लिट होके दो हो जाती है। इन सबसे दोस्ती हुई, और कुछ इंसानों से भी दोस्ती हुई जो हमारे बाकी 11 कंटेस्टेंट थे। रोहित सर ने होस्ट किया, बहुत इनकरेज किया। सिंगिंग करना, स्टंट करना कितना चैलेंजिंग है आपके लिए? बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हम क्या है, हम प्रोफेशनल स्टंटमैन तो है नहीं, पहली बार कर रहे हैं सबके सब सारी चीज़ें तो। और यहाँ पे कुछ ऐसे रिहर्सल वियर्सल भी नहीं है, जो है वो है सामने सामने, नो सेकंड चांसेस। सो इट्स अ गुड एक्सपीरियंस यार, सबको ट्राई करना चाहिए अगर आपको मौका मिले तो। ऐसा एक शो ज़िंदगी में एक बार करना चाहिए, एक बार से ज़्यादा फिर आप हिम्मत भी नहीं होगी आपकी करने की, लेकिन एक बार डेफिनेटली करना चाहिए। अर्जेंटीना में कैसा एक्सपीरियंस? मज़ा आया, बहुत ठंड थी, खास करके जब हम बॉम्बे वासी जिनकी विंटर 21 डिग्री में स्वेटर निकलते हैं हमारे, तो उनके लिए जो -1, -2, -3 में स्टंट्स करना ऊपर से वेरी चैलेंजिंग। फिर साथ में जब पानी में डाल देते तो वो पानी -5, -6 हो जाता था, तो और कुल्फी जमती थी हमारी जिगर पे ही नहीं, हर जगह बाकी सब जगहों पे भी ट्रिगर था। और मज़ा आया यार, मतलब इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। रोहित सर के साथ बहुत मज़ा आया, इज़ अ ग्रेट गाय। बहुत इनकरेज किया रोहित सर ने हमको, ही कम्स फ्रॉम एन एक्शन बैकग्राउंड, उनके पिताजी इतने बड़े स्टंटमैन थे, वो खुद उनकी शुरुआत इसी में हुई थी। अब भी अपनी फिल्मों में आप देखते हैं गाड़ियाँ, हीरो हीरोइन सबको उड़ाते हैं वो, तो हर चीज़ उन्होंने ओवरलुक की है, बहुत ख्याल रखा है हमारा। अर्जेंटीना की जो स्टंट क्रू थी उन्होंने भी बहुत हमारा ख्याल रखा है, यू नो सेफ्टी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ऐसे शो पे, तो इनकी टीम की वजह से, हैंड मॉल कलर्स की वजह से हम बहुत सेफ फील करते थे। खतरा तो था बट कभी ऐसा नहीं लगा कि जान को खतरा है, एक्चुअली लगा यार, बट फिर भी हमने सेफ फील किया, ऐसा लगा कि जो कुछ भी हो जाएगा हम जिंदा पहुंच जाएंगे बॉम्बे, और पहुंच गए, देखिए हम आ गए हैं मुंबई नोवोटेल होटल। जी सब डर रहे थे, सबकी हालत ख़राब थी। कुछ ऐसे थे जो मुझे लगा था बहुत जाबाज होंगे बट नहीं थे। हमारे पुनीत भाई बहुत कमाल स्टंट्स करते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा यू नो शो में बहुत कंट्रीब्यूट किया है। एक कंपटीशन जो बोलते हैं, टफ कंपटीशन दिया है मुझे, और मैंने भी उनको टफ कंपटीशन दिया है। आगे फिर आपको शो देखना पड़ेगा। और सरप्राइज पैकेज जो है भारती, डेफिनेटली भारती, तो मुझे ऐसे ही लगा कि कुछ टाइम पास करेंगी वहाँ पर 1-2 हफ्ते, जोक वोक मारेंगी, हमको हंसाएंगी, बट उन्होंने सिर्फ मुझे ही नहीं, उन्होंने बहुत लोगों को यहाँ पे सरप्राइज़ किया है और अपसेट किया है अपने परफॉर्मेंस से। रिधिमा भी थी हमारी कॉलेज की दोस्त है, हम साथ में जाते थे कॉलेज के गेट तक और फिर पिज़्ज़ा हट जाते थे। नहीं बट शी इज़ वेरी गुड यार, उन्होंने इतना कंप्लेन किया पहले, बहुत वो नॉट सो कॉन्फिडेंट थी, कह रही इतनी ठंड है, ये है वो है, देखते देखते काफ़ी आगे तक पहुँच गई रिधिमा जी। हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। लंच खाया आपने, ब्रश किया आपने? नहीं, थैंक यू वेरी मच। हम हर साल आप खतरों के खिलाड़ी को, फियर फैक्टर को इतना प्यार देते हैं। 5 जनवरी से हमारा शो शुरू हो रहा है, सैटरडे संडे 9 बजे, प्लीज़ इसे देखिएगा। हम सबके फेवरेट रोहित सर इसे होस्ट कर रहे हैं, बाकी हम सब 12 सेलिब्रिटीज़ हैं जिनकी बैंड बजी है और खून भी निकला है, पसीना भी निकला है, आंसू भी निकले हैं, हंसे भी हैं, रोए भी हैं, बहुत सारा एंटरटेनमेंट है।
आई थिंक इट्स द मोस्ट एंटरटेनिंग शो ऑन टेलीविजन. ऐसा शो इंडियन टेलीविजन पे तो नहीं है. सो डू वॉच इट और मुझे पूरा भरोसा है कि आपको बहुत पसंद आएगा. थैंक यू. एक न्यू